बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पेशावर में 27 अक्टूबर को होने वाले नेशनल गेम्स मुलतवी कर दिए गए हैं और ये इंशाअल्लाह ताला 9 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक ये दोबारा मुनक्किद होंगे। इस सिलसिले में जो ओलंपिक एसोसिएशन है उनके सदर जनरल आरिफ साहब से भी बातचीत हो गई है हमारे सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स आतिफ खान की, और एक कंसेंसस के साथ एपेक्स कमेटी में इसके मुलतवी करने का फैसला हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी मुख्तलिफ गेमों के लिए शिरकत करने आते हैं, तो हम चाहते हैं कि बड़ा पीसफुल हो, कामयाब हो, और इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब रहेगा। स्पोर्ट्स के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर ये खेलों का हब बनने जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हम चाहेंगे कि हमारे नए आने वाले खिलाड़ी पीसफुल माहौल में अपना गेम खेलें। उसको यकीनी बनाने के लिए हमने फ़िलहाल इसको मुलतवी किया है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग धरना देने जा रहे हैं जिसके कोई जवाब तो है नहीं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ये तजवीज़ है कि इसको थोड़ा मुलतवी किया जाए ताकि इसको हम बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज़ कर सकें। और तो इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम जितने भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब ये नेशनल गेम्स इंशाअल्लाह पेशावर में 9 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक होंगे, और बड़े इंशाअल्लाह ताला इसके लिए इंतज़ाम इससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे।